रूस यूक्रेन में युद्ध जारी है। इस युद्ध को अब 5 महीने पूरे होने को है, लेकिन अभी तक युद्ध का परिणाम नहीं निकला। रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। रूस के हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन के एक और शहर पर मिसाइल से हमला किया है। ये हमला इतना खतरनाक था कि इस हमले में 21 लोगों की जान चली गई। रूस ने यूक्रेन के वेनिसिया शहर में गुरुवार को हमला किया। रूस के मिसाइल हमले में 21 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने असैन्य आबादी वाले क्षेत्र में इस हमले को आतंकी कार्रवाई बताया है। यूक्रेन की पुलिस के मुताबिक राजधानी कीव से 268 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में शहर वेनिसिया में 3 मिसाइल ने एक कार्यालय की इमारत को निशाना बनाया और आसपास के आवासीय भवनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मिसाइल हमले से आग लग गई, जिससे पास के पार्किंग स्थल में 50 कारें जलकर खाक हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर लिखा, हर दिन रूस असैन्य इलाकों पर बमबारी कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, नागरिक केंद्रों पर मिसाइल दाग रहा है, जहां कोई सैन्य परिसर नहीं है। यह आतंकवादी कृत्य नहीं है तो क्या है? बता दें कि वेनिसिया यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जिसकी आबादी 370,000 है। यूक्रेन में रूस के हमलों की शुरुआत के बाद से हजारों लोग पूर्वी यूक्रेन छोड़ चुके हैं। वेनिसिया पर हमले के पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने पिछले दिनों रूसी सैनिकों के हमलों में 5 नागरिकों की मौत और 8 अन्य के घायल होने की बात कही थी। रूसी सैनिक लुहांस पर कब्जा करने के बाद डोनेट्स्क प्रांत में हमले कर रहे हैं। लुहांस्क में यूक्रेन के नियंत्रण वाला अंतिम शहर लिसीचांस्क भी इस महीने की शुरुआत में रूसी सेना के कब्जे में चला गया।